दोस्तों आज भारत जितनी कंपटीशन जॉब और पढ़ाई में है उतनी कंपटीशन धर्मों में भी है। हर धर्म के लोग ये साबित करने में लगे हैं कि उनका धर्म पहले आया या उनका ही धर्म सबसे पुराना है, और सभी धर्म अपने ग्रंथों का हवाला देते हुए अपने धर्म को सबसे पुराना बताते हैं। लेकिन सबसे पुराना धर्म कौन सा है ये तो एक्यूरेटली कोई नहीं बता सकता। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले सारे धर्मों को करीब से समझेंगे और फिर ये जानेंगे कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है। सबसे पहले हम साइंस और इतिहासकारों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि धरती पर सबसे पुराना धर्म कौन सा है। जिस समय मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही थी और लोग धीरे धीरे सिविलाइज्ड और समझदार हो रहे थे, तभी लोगों ने प्रकृति की पूजा करना भी शुरू कर दिया। जो वेद उन्हें फल देते, उस पेड़ की अच्छे से देख रेख करने लगे थे और उन्हें अपना ईष्ट मान लिया करते थे। ऐसे में अगर कोई जानवर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता जहां से उन्हें पानी या अन्य किसी ऐसी कोई चीज मिलती जो जिंदगी बिताने के लिए जरूरी है, तो वो उन जानवरों को अपना भगवान समझ लेते थे। उस समय लोग जानवरों और प्रकृतियों को अपने जैसा ही समझा करते थे और इसी चीज को एनिमिज्म धर्म कहा जाता था। इसके आठ धीरे धीरे इंसानों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया। पेड़ पौधे और फल सब्जी उगाने के बारे में उन्हें जानकारी होने लगी। इस समय वो खेती बाड़ी तो किया करते थे, लेकिन एक बात से बिल्कुल अनजान थे कि आसमान से अचानक पानी क्यों गिरने लगता है। कभी ठंड हो जाती है तो कभी खूब गर्मी पड़ने लगती है। इस चीज से कई बार उनकी फसलें खराब भी हो जाती थी। तब ये लोग सोचने लगे कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में कोई तो ऐसी ताकत है जो इन सब बादलों के लिए जिम्मेदार है, और यहाँ से पॉलिथेस्टिक धर्म की शुरुआत होती है जिसमे लोगों ने जल देवता पवन देवता की पूजा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए कोशिश करने लगे, जैसे अच्छी बारिश या फसलें। इन सब में वो जानवरों को कुर्बानी भी देने लगे, देवताओं को खुश करने के लिए आग या दिए जैसी चीजों को जलाने लगे, और इसी प्रकार की कई कामों को लोगों ने अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल कर लिया, जिससे मानव सभ्यता विकसित होती गई। लोग अपने हिसाब से धर्म को बनाने लगे, मोनोथिज्म और पॉलीथिज्म की शुरुआत होने लगी, और अलग अलग जगहों में अलग अलग देवताओं की पूजा होने लगी। ये वो समय था जब दुनिया में कहीं पर भी लोग धर्म या जाति के नाम पर लड़ा नहीं करते थे। एक सभ्यता में कई देवताओं की पूजा का भी रिवाज था। लोगों का ऐसा मानना था कि भगवान के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर असल में एक ही है। पर जब लोग और ज्यादा समझदार होने लगे, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने लगे कि उनके देवता सर्वश्रेष्ठ हैं और पूरी दुनिया के लोगों को उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, यहाँ से मिश्रणी धर्मों की शुरुआत हुई जो आज तक चली आ रही है। ये तो हुआ कि साइंस के हिसाब से हम धर्म को क्यों मानते हैं, लेकिन आज के समय में इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई धर्म के लोग इन बातों पर सहमति नहीं जताते। ये सभी अपने धर्म को सबसे पुराना बताते हैं। हिंदू धर्म को सनातन धर्म माना जाता है, यानी जब से इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तब से यह धर्म अस्तित्व में है, यानी कि इस धरती की संरचना ब्रह्मा जी ने की थी। ब्रह्मा जी को हिंदू धर्म में एक सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आज से लगभग 90,000 साल पहले हिंदू धर्म अस्तित्व में आया था। वहीं 5,500 साल पहले भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया और 3,300 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और उसी दौर में महाभारत की सूचना भी हुई थी। लेकिन एक बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो ये है कि किसी भी देवता या भगवान के अवतार ने कभी अपने भक्तों से ये नहीं कहा कि उनकी पूजा की जानी चाहिए। आज लोग अपने देवताओं की मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, पर हिंदू धर्म के किसी भी पुराण या वेदों में मूर्ति पूजा के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि किसी की भी पूजा मत करो सिवाय उसके जो सत्य है, और उसकी पूजा भी एकांत में करो। वहीं यजुर्वेद में कहा गया है कि जो लोग प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते हैं, जैसे कि सूरज, चांद, पेड़ आदि, वे सभी लोग अंधकार में हैं, और वो लोग और भी ज्यादा अंधकार में हैं जो टेबल, कुर्सी, मिट्टी की बनी मूर्ति या आदि की पूजा करते हैं। लेकिन इंसानों ने अपनी सहूलियत और अपने धर्म के अधिकार अधिक प्रचार और प्रसार के लिए मूर्ति पूजा और तरह तरह के रीति रिवाज मानने शुरू कर दिए। अब बात करें अगर इस्लाम धर्म की, तो इस बारे में लोगों की अलग अलग राय है। बहुत से लोगों को लगता है कि आज से लगभग 1400 साल पहले हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 571 ईस्वी में, लेकिन इस्लाम धर्म उनके जन्म से काफी पुराना है। इतना पुराना कि आप सोच भी नहीं सकते। इस्लाम धर्म के भाइयों बहनों का भी ठीक वही मानना है जैसे हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, यानी इस्लाम धर्म की शुरुआत पृथ्वी पर मानव जीवन के समय से ही बताई जाती है। अल्लाह ने हजरत आदम, अला इस्माइल और अम्मा हव्वा को धरती पर भेजा था, और यहीं से पृथ्वी पर जीवन चक्र की शुरुआत हुई थी। उस समय हजरत आदम सिर्फ एक ईश्वर या अल्लाह की ही इबादत किया करते थे और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। हालांकि धीरे धीरे शैतान ने लोगों को गुमराह करना शुरू किया और लोग सत्य की राह से भटक गए। हजरत आदम अल्लाह के पहले नबी थे, जिसके बाद 1,24,000 ऐसे ही नबी अल्लाह ने धरती पर भेजे, जिन्हें धरती पर इस्लाम धर्म को फैलाने की कोशिश करने लगे। इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान है और इसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं। दोस्तों ऐसा ही जैन धर्म में भी देखने को मिलता है। आज के समय में लोग मानते हैं कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत की थी। भगवान महावीर ने आज से लगभग 2600 साल पहले पृथ्वी पर जन्म लिया था, लेकिन वो तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में थे। उनसे पहले धरती पर 23 अन्य तीर्थंकरों ने जन्म लिया था। असल में जैन धर्म की शुरुआत कब से हुई इस बारे में सटीक जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने ही जैन धर्म के बारे में लोगों को बताया था। अब बात करें अगर बौद्ध धर्म की, तो लगभग 550 ईसा पूर्व के समय गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का धर्म विवाद नहीं है, साथ ही सिख धर्म के लिए भी कोई भी धर्म विवाद नहीं है। सिख धर्म
की शुरुआत सिख धर्म के सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी द्वारा दक्षिण एशिया के पंजाब में हुई थी। उस समय पंजाब में हिंदू और इस्लाम धर्म था। तब गुरु नानक देव ने लोगों को सिख धर्म की जानकारी देनी शुरू की, जो इस्लाम और हिंदू धर्म से काफी अलग था। गुरु नानक देव के बाद 9 गुरु और आए जिन्होंने सिख धर्म को बढ़ाया। सिख धर्म के 5वें धर्म गुरु गुरु अर्जुन के समय तक सिख धर्म की पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। उन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन भी किया था। क्रिश्चियन या ईसाई मजहब एक इब्राहिमवादी धर्म है जो प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला है। अन्य इब्राहिमी धर्मों के समान ये भी एक त्रिएक धर्म है। ईसाई परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत प्रथम सदी में हुई फिलिस्तीन में, जिसके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। यह धर्म यीशु मसीह की उपदेशों पर आधारित है। ईसाइयों के मुख्य रूप से 3 संप्रदाय हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स, तथा इनका धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। ईसाइयों के धार्मिक स्थल को गिरजाघर कहते हैं। विश्व में ईसाई धर्म को फॉलो करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। 4वीं सदी तक यह धर्म किसी क्रांति की तरह फैला, लेकिन इसके बाद ईसाई धर्म में अत्यधिक कर्मकांडों की प्रधानता तथा धर्म सत्ता ने दुनिया को अंधकार युग में धकेल दिया था। दोस्तों, सबसे पुराना धर्म कौन सा, इस बात पर बहस करने से कोई फायदा ही नहीं है। इससे अच्छा है कि आप किसी भी धर्म में कोई भी आवाज उठाए बिना बस मानवता धर्म को अपनाए। यकीनन किसी भी धर्म में दूसरों की जान लेना या किसी को तकलीफ में उसके हाल पर छोड़ देना या धर्म के नाम पर दंगे फसाद करना, ऐसा नहीं कहा गया है। आज के समय में दुनिया भर में 300 से भी ज्यादा धर्म है। अब ये आपके ही तय करना है कि किस धर्म को आप पुराना मानते हैं और किसे फॉलो करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।